हेलो स्टूडेंट्स, आज की मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास को पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास क्या होता है, यानी इसका अर्थ, प्रकृति, इसको पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे और अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस का क्या इम्पोर्टेंस होती है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में, और एक और जो शब्द है सोशल एक्सपेक्टेशन उसको भी हम यहाँ पे उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की कर रहे हैं, तो सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, इससे पूर्व में हम ये बात करेंगे कि जब भी कोई ह्यूमन बीइंग या कोई बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, जब इस नए वातावरण के संपर्क में आता है, जब वो शिशु जन्म लेता है, उस समय वो न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, बल्कि वो क्या होता है, एक उदासीन होता है। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो एक सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। और जो भी सामाजिक विकास की प्रक्रिया और सामाजिक गुण होते हैं, उनका ग्रहण वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ग्रहण जो उसका सामाजिकरण है वो होने लगता है। सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है, प्रारंभ में थोड़ी मंद होती है, उसकी गति कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या विकास का या डेवलपमेंट का प्लेटू बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एक बार विकास तेज होगा और फिर वापस से उसका जो है विकास की गति जो होती है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। तो इस प्रकार जो होती है विकास जो होता है, पहले स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, और इस तरह से जो है एक स्वस्थ और सुंदर जो बालक होता है, वो एक सोशलाइज जो उसमें गुण होते हैं, मूल्य होते हैं, उनका विकास शैने शैने और धीरे धीरे करता है। अब हम इसमें बात करेंगे इसकी अर्थ और प्रकृति की। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे जब हम परिभाषाओं पे चलते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी के जो हैं जनक हैं हर्लॉग जो है, उन्होंने जो चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत सारा इन्होंने स्टडीज़ की हैं और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बहुत सारे अपने थॉट दिए हैं। तो हर्लॉक ने बताया कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना जिसके द्वारा सामाजिक या सोशल एक्सपेक्टेशन के अनुसार व्यवहार किया जा सके। यानी सामाजिक जो एक्सपेक्टेशन है, सामाजिक प्रत्याशाएँ क्या होती हैं, सामाजिक प्रत्याशाएं वो समाज के द्वारा अपेक्षित किया गया व्यवहार जो होता है उसको हम कहते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस। जैसे एक सोसाइटी में कोई बच्चा होता है और उसको माना जाता है कि 2 इयर्स का, यदि 2 इयर्स का बेबी हो गया है तो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई होगी, वो अपने जो है अपनी जब भी उसको उस मांसपेशियों पे जो टॉयलेट से रिलेटेड या टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड उसकी लर्निंग जो हमने जो उसको करवाई है और उसके रिजल्ट के अनुसार वो अपना बिहेव करना चालू करेगा। या जो है जैसे हम मान रहे हैं कि 3 इयर्स का बेबी है, वो प्ले ग्रुप में, 3 इयर्स चाइल्ड जो है प्ले ग्रुप में खेलने के लिए जाएगा, तो ये हमारी क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन है। या माना जाता है सोसाइटी में कि 21 ईयर का होता है, उस समय वो जॉब लग सकता है, उसकी शादी हो सकती है, तो ये और उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर एज में उसको किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह के उसे कार्य करने हैं और सोसाइटी उस व्यक्ति से किस तरह की अपेक्षाएँ रख रही हैं, वो सब के सब उसकी सोशल एक्सपेक्टेशंस कहलाती हैं। एक और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। यानी समूह मानक, यानी जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस परिवार में वो बालक रह रहा है और उसके आधार पर उसके जो जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स के अनुसार
और सोशल एक्सपेक्टेशन के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। यानी इस तरह से इसमें तीन प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होती है, फर्स्ट में वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज के द्वारा मान्य बिहेवियर, अप्रूव बिहेवियर, यानी अप्रूव बिहेवियर क्या होते हैं, हर सोसाइटी के कुछ बेसिक नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स के अनुसार वो लर्निंग करता है और उस लर्निंग के अनुसार ही वो बिहेव करता है। जैसे किसी बच्चे को झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना, और यदि वो कोई गलत काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो सोसाइटी उस चीज़ को अप्रूवल नहीं देती। तो फर्स्ट हमें क्या है, सोशली अप्रूव बिहेव करना। सेकेंड है, अप्रूव सोशल रोल्स को सीखता है, यानी सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की जो सेकेंड प्रक्रिया में ही एक पार्ट होता है कि समाज द्वारा मान्य जो भूमिकाएं हैं वो भी बालक सीखता है, क्योंकि प्रत्येक आयु स्तर पर लड़के और लड़कियों से, यानी बालक और बालिकाओं से समाज कुछ निश्चित व्यवहार प्रतिमान या जिसको हम कहते हैं सोशल रोल्स अपेक्षित करता है, और वो रोल जो है उन्हें सीखने होते हैं। जैसे हम कहते हैं एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए चाइल्ड, एज ए ग्रैंड पेरेंट, ये उसके अलग अलग जो रोल होते हैं और उनको सबको उनके अनुसार बिहेव करना होता है। थर्ड है सोशल अभिवृत्तियों का, सोशल एटीट्यूड का विकास करना। अभिवृत्तियों के विकास के कारण ही वो समाज के जो सोशल वर्क होते हैं और समाज के जो जो कार्य होते हैं उनके, यानी अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, या किस तरह का वो व्यवहार कर रहा है, यानी समाज की उपयुक्तता के अनुसार वो व्यवहार करना सीखता है। और सोशल एक्सपेक्टेशन एक शब्द, यानी ये तीन फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा एक और वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं, या हम कहते हैं सामाजिक प्रत्याशाएं। सामाजिक प्रत्याशाएं यानी प्रत्येक समूह अपने समूह के बालक और बालिकाओं से उनकी आयु के अनुसार कुछ व्यवहार की आशा करता है। जैसे एक जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर, वो बच्चे से ये आशा करेंगे कि बच्चा उनको स्नेह करे, उनके साथ में आदर पूर्वक रहे, उनका कहना माने, या जो भी उनके जो घर में बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, उनका कहना माने, और निश्चित आयु होने पर वो स्कूल जाए, फैमिली के जो डिफरेंट रोल्स जो होते हैं उनमें वो अपनी कुछ रोल प्ले करे, जैसे मदर के साथ में। तो ये सारी क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उनके अनुसार भी उसको व्यवहार करना सीखना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि समाज के अनुसार या समूह के अनुसार समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करते हुए और उन सब चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में लाना, और व्यक्तित्व में लाकर समाज के जो उत्तरदायित्व और भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना, ये जो होती है वो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और हर स्टेज पे अलग अलग तरह की सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यदि बालक को इनमें कठिनाई होती है तो वो जो है, यानी जो हमारे समाज की संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, और उन बच्चे उनके अनुसार भूमिकाएं प्ले जो रोल्स होते हैं वो प्ले करते हैं, उनको अपनाते हैं और वो अपने दैनिक जीवन में उनके अनुसार जो है बिहेव करते हैं, और जब वो दैनिक जीवन में उनके अनुसार बिहेव करेंगे तो सोसाइटी उन्हें अप्रूवल देती है, उनको कंफर्मेशन देती है, और यदि वो उसके अनुसार बिहेव नहीं करते हैं तो सोसाइटी उन्हें डिसअप्रूवल देती है। एक और जो चीज़ होती है, सोशल एक्सेप्टेंस, एक और वर्ड है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस क्या होता है, यानी सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति यानी समाज के साथ अनुरूपता स्थापित करना और
एक जब बालक समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता है तो समाज का उसके लिए फेवरेबल ओपिनियन नहीं होगा और उसको सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बच्चे की जो सेल्फ एक्सेप्टेंस इस बात पर निर्भर करती है कि यदि उसने समाज के अनुसार जो भी बिहेवियर हैं, रोल्स हैं, वो प्ले किए हैं तो सोसाइटी उसके इसका मतलब वो सोशली एक्सेप्टेंस है, उसको समाज ने स्वीकार कर लिया। लेकिन यदि वो नहीं कर पा रहा है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए सोशल जो डेवलपमेंट है ये जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारक होता है और किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ में सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और हम लोग अभी डिस्कस करना चाहेंगे कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का भी क्या उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है या उसके आगे के जीवन पर प्रभाव पड़ता है क्या। तो सामाजिक और असामाजिक जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं उनका बालक के प्रारंभिक काल में जो प्रभाव पड़ता है और वो जीवन पर्यंत रहता है। अर्ली ईयर्स का जो उसका सोशल जो डेवलपमेंट होता है या सामाजिक जो उसके व्यवहार प्रतिमान होते हैं उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसा सामाजिक प्राणी बनेगा। और क्योंकि प्रारंभिक काल में यदि परिवार का वातावरण सोशल जो सामाजिक प्रत्याशाएं उनके अनुसार रह रहा है तो बहुत कुछ संभावना होती है कि बच्चा भी बड़ा होके वो सामाजिक व्यक्ति बनेगा, समाज के अनुसार व्यवहार करेगा और परिवार के किस सदस्य के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाता है वो भी सीखेगा। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, बच्चे की चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हमने कौन सी अडॉप्ट किए हैं, उसको कौन से मेथड से उसकी रेयरिंग करी है यानी कौन से विधि हमने अडॉप्ट करी है, इसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यानी जैसे परिवार के सदस्य बच्चे का बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, उसकी केयर नहीं करते, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब उसका जो अर्ली ईयर्स में उसका सोशल एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। और हो सकता है जैसे वो अपनी बात को कभी एक्सप्रेस करना चाहे लेकिन उसकी सुनते नहीं हैं तो उसमें क्या होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो जाए। यदि बालक को अच्छा उसको सपोर्ट किया जाता है, उसकी केयर की जा रही है, उसकी जो वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसे हर बात को सुना जाता है, पूछा जाता है तो बच्चा ऐसी स्थिति में एक्सट्रोवर्ट होगा और जब एक्सट्रोवर्ट होगा तो उसमें सामाजिक जो गुण हैं वो अधिक मात्रा में होगा और समाज के अनुसार वो आसानी से सामाजिक व्यवहार करना सीख जाते हैं। और यदि जो पेरेंट्स हैं यदि वो ऑथोरिटेरियन टेक्निक के हैं तो बच्चा क्या होता है, शांत निर्विरोधी तरह का होगा और वो बिल्कुल नॉन रजिस्ट प्रकृति का डेवलप होगा। और ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, घर के जो बाहर के लोग होते हैं उनके साथ में वो ज़्यादा अटैच होगा और दूसरों के साथ में ज़्यादा अपने आप को शेयर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है सोशल डेवलपमेंट जो है उसके अर्ली ईयर्स का जो प्रभाव होता है वो उसके जीवन पर्यंत बना रहता है। एक और जो स्टडी हुई थी उसके उसमें ये कंक्लूड किया गया था कि बालक में जो प्रारंभिक सामाजिक अनुभव होते हैं वो बालक के व्यक्तित्व विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। यह भी देखा गया है कि यदि बच्चे के जो प्रारंभिक जो सामाजिक अनुभव अच्छे रहते हैं तो बच्चे में पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और यदि बच्चे के अर्ली ईयर्स की जो सोशल या एक्सपेक्टेशंस या बिहेवियर पैटर्न जैसे बन जाते हैं वह जीवन पर्यंत वही रहते हैं। यदि शुरुआत में बच्चा आक्रामक, डेमोक्रेटिक या दूसरे पर डिपेंड रहता है तो वो आगे भी वैसे ही रहेगा। यानी अर्ली ईयर्स के जो उसके सोशल अनुभव हैं वो उसके सोशल एडजस्टमेंट को और सोशल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए पेरेंट्स की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस पर हमें
पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम नेक्स्ट कुछ वर्ड्स पे डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।